हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से स्थल कमल के फ्लावर के साथ, जिसे डिक्सी रोज मेलो भी बोलते हैं, हाइबिस्कस म्यूटेबलिस भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं फ्रेंड्स इसके। तो फ्रेंड्स, ये समर का बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो आप इसे ज़रूर, इसके जो बड़े बड़े से लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं ब्राइट कलर के और बहुत काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का इसका फ्लावर होता है फ्रेंड, तो इस ब्यूटीफुल फ्लावर को आप ज़रूर अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं। और बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, जैसे हाइबिस्कस वगैरह होते हैं, तो बिल्कुल जैसे हमारे जो कॉमन हाइबिस्कस होते हैं उसी तरीके से आपको इसकी केयर करनी होती है। और फ्रेंड्स, इसकी सॉइल की बात करें तो सॉइल आप एकदम रिच वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, जिसमें एक हिस्सा सैंड सॉइल और कॉम्पोस्ट मिलाएं। और कॉम्पोस्ट अच्छी जो होती है ना, डिकम्पोज हुई वही काउडंग जो कॉम्पोस्ट होती है या वर्मी कम्पोस्ट आप इसमें ऐड करें अच्छे अमाउंट में, क्योंकि ये इसका पीक टाइम है ग्रोथ का, तो इसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और सॉइल में अगर आपके पास बोन मील भी अवेलेबल है घर में, तो आप बिल्कुल बोन मील भी ज़रूर ऐड करें और नीम की खली। तो इस तरीके से आप इसका पॉटिंग मिक्स बनाएं, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और फ्रेंड्स, ये भी मैं छोटा सा, जब लॉकडाउन लगा होता तो मैं काफ़ी छोटा सा इसका प्लांट लेके आई थी, मेरे पास में एक नर्सरी थी, तो मैंने नर्सरी विज़िट का एक वीडियो भी बनाया था, तो उससे मैं लेके आई थी। और जब मैं लेके आई थी फ्रेंड, तो बहुत ही अनहेल्दी सा प्लांट था, इसके जो पत्ते थे काफ़ी कटे पत्ते थे और छोटा सा प्लांट था, एकदम सिंगल इसमें जो स्टेम थी। और फिर मैंने इसमें जैसे सॉइल मिक्स मैंने आपको बताया, मैंने वैसे ही बनाया, और देखो आप कितने अच्छे से ये चल गया। और फ्रेंड्स, उस टाइम तो मेरे पास, आप बिलीव नहीं करोगे, कोई बड़ा पॉट भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सीमेंट की जो बैग्स आते हैं उसी में मैंने फिर अच्छे से पॉटिंग मिक्स फिल करके और इसे लगा दिया था, और आप देखो कितने अच्छे से ये चल गया है। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो ये हाइबिस्कस फैमिली का ही प्लांट होता है, तो इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, जैसे सिंगल पेटल में भी आता है ये, और डबल पेटल में भी आता है। तो मेरे पास तो ये सिंगल पेटल वाला है, बट डबल पेटल में भी ये प्लांट आता है। तो आप देखो वहाँ पर नीचे की तरफ देखो कितने पत्ते अभी भी वो कटे पटे वाले हैं, तो मैंने सोचा था कि जब ये प्लांट थोड़ा अच्छे से ग्रो कर जाएगा तो मैं वो वाले लीव्स रिमूव कर दूँगी, तो अब मैं वो ही करूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट होता है ये काफ़ी अच्छी हाइट ले लेता है, ये 10 फीट तक की हाइट पे चला जाता है अगर हम लोग इसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं तो। अब क्योंकि हम लोग मोस्टली लोग आजकल गार्डन जो है अपना टेरेस गार्डन में ही प्लांट लगाते हैं और ज़मीन की काफ़ी कमी हो गई है, तो बिल्कुल आप अगर इसे पॉट में लगाते हैं तो रेगुलर बेसिस पे आपको इसकी प्रूनिंग करते रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है फ्रेंड्स ये तो। और फ्रेंड्स, इसमें मीली बग्स, स्पाइडर माइट्स बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, तो इसलिए आप जो होता है ना प्रिवेंटिव मेजर्स में हमेशा 15-20 डेज में जो नीम ऑयल का हम लोग स्प्रे बनाते हैं, नीम ऑयल वाला, वो आप इसमें बिल्कुल स्प्रे करते रहे 15-20 डेज की गैप में, तो ये जो भी इंसेक्ट का अटैक होता है वो इसमें नहीं होगा। और इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा तो आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा और अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। आप देखो मेरे प्लांट में कितने सारे नए नए बड्स भी आए हुए हैं, और जबकि अभी भी इसमें सिंगल स्टेम ही है, और बट अच्छे से ग्रोथ हो रही है इसकी, और स्प्रे मैंने करती रहती हूँ इसमें जैसे मैंने आपको बताया। और फ्रेंड्स, अगर इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सॉइल इसकी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई मत होने दें आप कभी भी, तो आप इसमें हल्की फुल्की वाटरिंग करते रहें जिससे मॉइस्चर बना रहे सॉइल में, बिल्कुल ओवर वाटरिंग नहीं करना है, बस मॉइस्चर बना रहे। तो इस तरीके से आप इसकी वॉटरिंग करें। प्रोपोगेशन की फ्रेंड्स इसकी बात करें तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग स्टेम कटिंग से भी लगा सकते हैं, बरसात के मौसम बहुत ईजली लग जाती है, और आप इसे सीड के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। मेरा प्लांट तो अभी काफ़ी छोटा है फ्रेंड, तो इसमें तो अभी आज फर्स्ट टाइम ही ब्लूम हुआ है, तो अभी सीड्स नहीं बने हैं, बट जब सीड्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी, इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। तो फ्रेंड, जब फर्स्ट टाइम कोई फ्लावर आपके गार्डन में ब्लूम करता है तो बहुत अच्छी सी अलग सी आपको खुशी दे के जाता है, जो कि सिर्फ गार्डनर समझ सकते हैं,
जो एकदम क्रेजी मतलब प्लांट लवर्स होते हैं उन्हें समझ में आता है कि मतलब जो फर्स्ट फ्लावर होता है वो कितना आपके लिए स्पेशल होता है। तो बिल्कुल मुझे भी आज बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है फ्रेंड, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊं और इसी के बारे में शेयर करूं सब कुछ, क्योंकि ये मुझे बहुत डाउट था उस टाइम में फ्रेंड। मैंने ले तो लिया था क्योंकि उन्होंने नर्सरी वाले ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप इसे ज़रूर कंसिडर करें समर गार्डन में इंक्लूड करने के लिए, तो मैंने ले लिया था फ्रेंड। लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा था कि चलेगा, तो बस इसके अच्छे से हम मैंने केयर किया और देखो कितने अच्छे से ये चल गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही था, और मैंने सारी तरीके तो आपको बता दिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, वाटरिंग। तो अब बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बिकॉज मैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स, हैप्पी गार्डनिंग।